गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और आज ना ज्ञानों को रात से ही फीवर आ रहा है। गुड्डू का फीवर ठीक हो गया तो वो इस पे आ गया, शायद अब इसको फीवर हो रहा है रात से। उसकी दवाइयाँ चल ही रही हैं और इसको फीवर हो गया है, तो ये बिल्कुल भी मुझे छोड़ नहीं रही है और सुबह से मेरी गोदी पे ही है। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और गुड्डू और एली देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया और दीदी हैं। तो गाइज ये हैं हमारे एली भैया, ज्ञानू भैया क्या कर रहे हैं। नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों, आप कैसे हैं आप लोग। नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। एली कह रहा है और यहाँ पे ये अपना सेटअप जमा के बैठ चुका है। हमने ना टेबल बाहर पे रख दी है एली के लिए। और यहाँ पे हैं ये हीरोइन हमारी जो कि देख रही है टीवी, और ये सीधी नहीं बैठ रही है। मैं इसको कितनी बार बोल दिया, अब ये पिटाई खाएगा तब सीधा बैठेगा आई थिंक, है ना। प्रणाम करो सबको, हेलो बोलो बोलो प्रणाम। ऐसा बोलते लोग मुंह पीछे करके। गाइस इसको मैं नहीं लूंगी अपने ब्लॉग में, ये अच्छा बच्चा नहीं है ये। तो गाइस हम इस बच्चे को नेक्स्ट डे से नहीं लेंगे अपने ब्लॉग में, ये तमीज से नहीं बैठ रहा था। और ज्ञानी तो भाई रो ही जा रहा है। तो ज्ञानी खाना कैसे बनेगा है ज्ञानू, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ज्ञानी, है ना, दाल चावल। तो चलो गाइस चलते हैं किचन में और बनाते हैं दाल चावल, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। और गाइस वैसे भी इस भोले भाले इंसान ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है मेरी। जब भैया के पास जाओ खाना बनाओ, चलो पकड़ के खाना बनाना पड़ेगा। बच्चे को गोद में पकड़ के खाना बनाना या कोई भी काम करना, ये इसके लिए एक माँ के पास ही हो सकती है, है ना। क्यों ज्ञानी, अब ज्ञानी को गोद में पकड़ के मुझे खाना बनाना है, है ना ज्ञानू। तो गाइस हमारा लंच जो है वो हो चुका है और लंच के बाद गुड्डू खा रही है गुड़, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ गुड्डू को। और गाइस मैं खाना खाने की खाती हूँ। कितना बिग गुड़ ले रखा है गुड्डू ने, ना गुड्डू। हाँ। अच्छा लगता है आपको गुड़। हाँ। और हमारे भैया जो है वो खाना खाने के बाद लेते हैं अपना गेम का डोज, तो वो यहाँ पे ले रहे हैं। और ज्ञाना जो है वो सो गई है, और ज्ञाना को ना मैंने दवाई देके सुला दिया था, और अब जैसे मैं अपने सारे काम निपटा के यहाँ पे आई वैसे ही वो उठ चुकी है। तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा शायद उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि दवाई दे दी थी ना मैंने तो उसका फीवर कम हो चुका है। तो गाइस ये रहा मेरा मिठू, कैसा फील हो रहा मिठू, क्या हुआ क्या दे, फीवर तो नहीं है, फीवर है, ठीक हो गया है, वाह ठीक हो गया है ज्ञानू, आपका फीवर ठीक हो गया। मेरी मोटी की टकली गरम हो गई गाइस, टकली है ना, टकली गरम हो गई थी। हाँ टकली अब ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है ठीक, क्यों कैसा फील हो रहा है। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर उसके बाद मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। पता नहीं ज्ञाना आप सोएगी नहीं सोएगी दोबारा, लेकिन ट्राई करती हूँ। तो गाइज अभी बज गए शाम के 5 और आज मैंने एली को बोला है चाय बनाने के लिए, तो एली चाय बना रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है तो दिखाती हूँ। तो गाइज यहाँ पे एली भैया और गुड्डू की बन रही है चाय, ये देखो। कहाँ बैठा हुआ गुड्डू, चाय। और ज्ञाना ने मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं करने दिया, ज्ञाना को बहुत ही तेज फीवर आ गया था, फिर दवाई दी, फिर थोड़ा भी ठीक है और अब पीते हैं चाय। दवाई दी मैंने उसके बाद अब खेलने लग गया ज्ञाने ये। और ये बच्चा गीली पट्टी बिल्कुल भी अपने सर पे नहीं रखने देता है, गुड्डू इतने आराम से रखने देती है ना एली, ये बिल्कुल नहीं रखने देती। दवाई खा के थोड़ा सा आराम मिल गया ना उसको, तो आओ खेलना शुरू कर दे मेरे बच्चे ने, वेरी गुड मेरा बच्चा। ज्ञानू डांस कर दे, एलेक्सा प्ले, एलेक्सा प्ले। अबे उसमें ऐड आने लग गया ज्ञानू, क्या खा रहा गुड्डू,
वेरी नाइस, ये आपके लिए? हाँ। और ये मेरे लिए है ये? थैंक यू वैली, ये मेरे लिए थी ये। ओके मामा, यस मामा, आज मीना, हाँ आज मीना बेडरूम में और बेडरूम में होमवर्क करेगी, बेडरूम में होमवर्क करेगा और यही टी पिएगा आज। आयरिश टी किसे बोलते हैं? अच्छी आना अग्नित आना नमन सब कुछ तुम्हें बेडरूम में ही करना है। हाँ। चाय भी यही पीनी है, होमवर्क भी यही करना है आज है। हाँ। सोना भी यही है। हाँ। अच्छा अब तो लिविंग एरिया में नहीं जाएगा, लिविंग रूम में नहीं जाएगा। ये आपका चैलेंज है? रियली? डर जाता है कि कहीं मेरा टीवी ना बंद हो जाए, है ना? इस रूम में तो टीवी है नहीं। चैलेंज लेने से डर गया बेटा तू? चैलेंज नहीं ले पाया तू? नो नो, यस यस, नो इट्स नॉट अ चैलेंज, दिस इज जस्ट फॉर वन डे। ओके तो वन डे, अभी तो पांच दो बज गए, अब क्या डे बचा हुआ है? हेलो ज्ञानी बाय, हेलो ज्ञाने बाय, बाय ज्ञाने बाय, ज्ञान बे हो गई ठीक, बुखार हो गया ठीक, इसका बुखार दवाई दी ना मैंने, उसके बाद थोड़ा सा इसको आराम हो गया ना, तो वो खेलने लग गया। अब जर्मनी जा रहा है पापा के साथ, है ज्ञानो? फोन लेके डैडा, मैं भी आ रही हूँ डैडा, मैं ठीक हो गई। ए मुंह में नहीं डालना ज्ञानो, पर्स वर्स टांग के एकदम तैयार हो गया वो। और हमने आज यहाँ से टेबल वहां रख दिया, यहाँ पे मैंने अपना सिलेंडर रख दिया, किचन में थोड़ी सी जगह हो गई हमारी, है ना ज्ञानो? यहाँ पे रख दिया। कहाँ जा रहा है? ज्ञानो किससे बात कर रहा है? पापा से। ज्ञानो किसको कॉल कर रहा है? पापा को। है आपको पता है ये पापा को कॉल कर रहे हैं? हाँ। अच्छा तो गाइस चाय पीने के बाद अब हो गया है गुड्डू को होमवर्क कराने का टाइम, तो चलो गुड्डू होमवर्क करते हैं, क्यों है ना? और गुड्डू ने बोला आज मुझे बेडरूम में ही करना है होमवर्क, तो करो भाई कहीं भी करो लेकिन करो, क्यों है ना? ड्रामे नहीं होने चाहिए। और एली गया है सब्जी लेने के लिए और उसको पता भी नहीं है कि कहाँ से लानी है, ऐसी चला गया, उसने बोला मौसी देख लूंगा कहीं से भी लेके आ जाऊं। पास में भी है एक शॉप, वहाँ पे सुबह ही अच्छी मिलती है, रात को मतलब शाम के टाइम बिल्कुल भी अच्छी सब्जी नहीं मिलती यहाँ बाहर, तो पता नहीं कैसे क्या ही लाएगा वो, देखते हैं। और मैं जाती लेकिन मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि ज्ञाना को फीवर हो रहा है, तो बाहर हवा में मैं उसको लेके नहीं जाना चाहती हूँ इसलिए, तो देखते हैं आज एली कैसी सब्जी लेके आता है, क्यों गुड्डू? भैया को पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी अच्छी सब्जी, है ना? देखते हैं। वैसे तो भैया को आती है सब्जी लेनी, पता है आपको? हाँ। वो लाते ना, वो अपने घर पे भी लाते हैं इसलिए, बड़ी मम्मी ने उनको सिखाया है सब्जी लेके आना इसलिए, ठीक है? ठीक है, आप भी सीखना जब बड़ी हो जाओगी। ओके तो गाइस देखते हैं अली कैसी सब्जी लेके आता है, तब तक मैं इसको होमवर्क करा लेती हूँ। चलो भाई जी, भाई साहब सब्जी लेके आ चुके हैं, चलो हमें दिखाइए क्या सब्जी लेके आए। अच्छा मिल्क तो रहने दो, लेकिन सब्जी क्या लेके आए? 25 रुपए पाव। 25 रुपए पाव बीन्स? ओ वाह, बस एक ही सब्जी लेके आए? महंगा है, सब जगह ही महंगा है। ये नींबू किसने दिए? अच्छा कितने के दिए नींबू? 5 के 2 दे दिए। अच्छा एक ही देगा? 2 ही दे दिए उसने, वही मैं सोच रही हूँ 2 कैसे दे दिए नींबू 5 रुपए के, मुझे लगा 10 का 1 होगा पता है, क्योंकि जिस हिसाब से गाइस महंगाई रखी है ना, इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि 10 का 1 नींबू होगा। चलो बीन्स तो फ्रेश ठीक है, वैसे ना शाम को यहाँ पे सब्जी नहीं मिलती पता है, अच्छी वाली सब्जी नहीं मिलती शाम को यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ी सही मिली है बीन्स, कोई खरीद नहीं रहा होगा ना आजकल इसलिए मिल गई, वरना और टाइम पे तो नहीं मिलती है। तो गाइस अबे वो ही खा गया, पास हो गया पप्पू, पास हो गया, सब्जी अच्छी लाया है, फॉइल के साथ ही खा गया ज्ञानी, चॉक कर लेते गुड्डू को भी मिल गई चॉकलेट, ये देखो 3 चॉकलेट है रात के लिए। दवाई की तरह, एक रात के लिए एक दिन के लिए, तो ऐसी देनी है वरना तो 5 एक मुट्ठी में एक ही बार में खा जाइए ना गुड्डू। हाँ। एक एक दिन में, एक रात में, एक सुबह, मम्मा संभाल के रखेगी ना।
मामा पहले होमवर्क करो तब मिलेगी और मुझको ये चॉकलेट अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो इतनी चूजी है ना, पता नहीं क्या ही वाली चॉकलेट चाहिए होगी। इसके अंदर वो है ना मिल्क वाला शायद, नो इसलिए नहीं खा रही वो। हम खा लेंगे, खाना खा लूं। अरे यार अली ऐसा मत कर, वो क्यों नहीं खाएगी, ऐसे थोड़ी होता है, है ना ज्ञानो। अब आपकी बेटी को और उसको तूने ज्यादा दे दिया, पूरा मुंह भर गया। हर चीज वाली चाहिए, हर चीज वाली। तो गाइस आज का व्लॉग जो है वो एली एंड करेंगे। तो गाइस हम सब्जी लेके आ चुके हैं और अब मौसी सब्जी बनाएगी और हम खाएंगे और सो जाएंगे और कल सुबह गुड्डू को स्कूल छोड़ेंगे। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सायोनारा सायोनारा। ज्ञानो कितना खुश हो रहा है भैया की कंधे में। ज्ञानो को कितनी हंसी आ रही है, कितनी। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय।